अध्यक्ष महोदय, अगर इतिहास और पर कैपिटा एमिशन के नजरिए से देखें तो ग्लोबल वार्मिंग में भारत का योगदान बहुत ही कम रहा है, लेकिन इसके समाधान के लिए कदम उठाने वालों में भारत एक अग्रणी देश है। एक और तो हम भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करने की पहल भी की है। ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव यह भी है कि नेचुरल डिजास्टर्स की संख्या और उनकी तीव्रता तो बढ़ती ही जा रही है, उनका दायरा और उनके नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI बनाने की पहल की है। दुनिया के देशों को इससे जोड़ने के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। इससे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलेगी जिन पर प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम होगा।